जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये सिर्फ आपका क्वेश्चन नहीं है, ये जितने भी जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं उन सभी को इस चीज के बारे में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। देखिए, जब हम जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं तो हम प्रीलिम्स, मेंस, इन दो पार्ट्स पर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, फोकस करते हैं, लेकिन जो लास्ट पॉइंट है दैट इज द इंटरव्यू, उसको हम भूल जाते हैं। और वही एक ऐसी स्टेज है जहां पर कहते हैं ना कि जब हमने फर्स्ट स्टेज क्रॉस कर ली, सेकंड स्टेज क्रॉस कर ली, और जब आप थर्ड स्टेज से वापस आते हैं, उससे बड़ा सेटबैक नहीं होता। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू से वापस आए हैं और टू थ्राइस ट्वाइस कितनी बार उन वो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। और सिचुएशन ये आ जाती है जब आप इंटरव्यू के बारे में चीजों को अच्छे से नहीं जानते हैं तो लास्ट में वो लोग ये कहने लग जाते हैं कि मैम, मैंने खुद सुना है कि मैम अगर हमारा इंटरव्यू नहीं होना तो भगवान करे कि हम लोगों का प्रिलिम्स और मेंस ही ना हो, क्योंकि वो जो एक आपको हर्टनेस देके जाता है ना कि ऐसा लगता है कि दरवाजे पर आए, कुर्सी तक पहुंचे और कुर्सी पर बैठे नहीं, ये सबसे हर्टफुल सिचुएशन होती है। That's very right. इसीलिए हमें सबसे ज्यादा अपने इस इंटरव्यू पार्ट को भी फोकस करना चाहिए जो कि हम भूल जाते हैं। बिकॉज प्रीलिम्स में आपका क्या कहते हैं शॉर्टलिस्टिंग होती है, मेंस में आपकी नॉलेज चेक हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो नर्वस इसलिए होते हैं, उन्हें लगता है कि हम अपने आंसर्स को जो है रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे बोर्ड के सामने। बोर्ड यहाँ पर जो बैठा होता है, आपका इंटरव्यू बोर्ड बैठा होता है, वो आपको ये देखने के लिए नहीं बैठा होता कि आपको कितनी नॉलेज है, वो चेक कर चुके हैं आपकी नॉलेज को। जब आपने मेंस के सामने मेंस में क्वालिफाई किया है, इट मींस कि आपको लॉ की नॉलेज है। वो ये देखने के लिए बैठे होते हैं कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो कैसी है, क्या वो जस्टिफाई कर पाएगी उस चेयर को जिसके लिए आप सिलेक्शन चाहते हैं, क्या आप कैपेबल हैं उस चेयर पे बैठने के लिए। आपकी नॉलेज चेक होनी हो चुकी है, लेकिन आप इनर कैसे हैं, ठीक है ना, आपकी कॉन्साइंस कैसी है, आप अंदर से कैसे हैं, ठीक है, आप प्रेशर की सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप झूठ और सच को पहचान सकते हैं या नहीं पहचान सकते, आप में वो कॉन्फिडेंस है या नहीं है, आप चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं या नहीं है, आप चीजों को सुनते हैं या नहीं है, क्योंकि एक जज को सबसे ज्यादा सुनने की पावर होनी चाहिए, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बोलने के, राइट। तो मैम मेरे एक बार आप गाइड कीजिए कि कैसे रूम में एंट्री करनी है, कैसे नमस्ते करनी है, कैसे बैठना है, थोड़ा सा इस बारे में बोल दीजिए। या एक्चुअल में जब आप क्यों जब भी आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने अपीयर होते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले चीज तो जब आप एंटर करते हैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने, ठीक है, तो सबसे पहले आपका स्माइलिंग फेस होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, स्मॉल स्माइल, मतलब एक मॉडरेट स्माइल होनी चाहिए आपके चेहरे पे, ठीक है, और आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। कहते हैं ना कि जब आपको नॉलेज होती है तो जो आपकी नॉलेज होती है वो आपके चेहरे पे दिखती है, वो तेज आपके चेहरे पे दिखता है, तो वो तेज आपके चेहरे पे दिखना चाहिए, ठीक है, राइट। एक एरोगेंस नहीं होनी चाहिए आपके चेहरे पे, आपका चेहरा डल नहीं होना चाहिए। साथ में जब आप स्माइलिंग फेस के साथ अंदर आते हैं तो ऑब्वियसली कहते हैं ना, जब आपका स्माइलिंग फेस होगा तो इंटरव्यू बोर्ड भी जो बैठा होगा वो भी देख के आपको बहुत खुश हो जाएगा कि हमारा जो कैंडिडेट है वो इतना स्माइलिंग फेस है। जब भी आप किसी को देखते हो तो आप खुश हो जाते हो ना, जो कोई हंसता होता है, और जब आप किसी डल पर्सन को देखते हो तो आपका भी मन जो है उदास हो जाता है। तो दूसरों को अगर खुश करना है तो सबसे पहले खुद के चेहरे पे स्माइल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप एंट्री करेंगे तो एंट्री करते हुए आप सबसे पहले ग्रीट करेंगे बच्चे फीमेल मेंबर को, जो बोर्ड में अगर कोई फीमेल मेंबर बैठी है, आप एंट्री करेंगे, आप देख लेते हैं कि फीमेल मेंबर अगर बैठी हुई है तो उन्हें सबसे पहले ग्रीट कीजिए, गुड मॉर्निंग मैम, एंड आफ्टर दैट पॉज लेके अदर जो मेंबर हैं उनको कीजिए, अदर जो मेल मेंबर्स हैं, गुड मॉर्निंग सर, और फिर उसके बाद आप आपकी जो चेयर है उसके पास आके आप खड़े हो जाइए। और जब आप उनकी चेयर के पास अपनी चेयर के पास आके खड़े हो जाएंगे तो मोस्टली ये होता है कि बोर्ड मेंबर्स अपने आप आपको बोल देते हैं कि प्लीज हैव अ सीट। इन केस रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस अगर ऐसा होता है कि बोर्ड मेंबर्स नहीं बोलते हैं, जस्ट आस्क इन अ वेरी मॉडरेट वॉइस, ठीक है, आप परमिशन दीजिए कि सर मैं बैठ जाऊं, मैम मैं बैठ जाऊं, ठीक है, एंड देन आप सीट पे बैठ जाइए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द चेयर योर बैक शुड बी वेरी स्ट्रेट,
ठीक है, आपको ऐसे ऐसे करके नहीं बैठना है चेयर पे, राइट, आपको ऐसे झुक के नहीं बैठना है चेयर के पर, ठीक है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है अपनी चेयर पे, ठीक है, एंड योर बोथ हैंड शुड बी लाइक दिस, राइट, अपने लेग्स पे आपके हैंड्स ऐसे होने चाहिए, ठीक है। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें यह है कि जो भी आप वेयर करके जाते हैं, ड्रेस कोड के हिसाब से मैं बता रही हूँ, जो भी आप वेयर करके जाते हैं वो बहुत ज्यादा, एक तो एलिगेंट होना चाहिए, बहुत ज्यादा ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा आपकी आंखों को चुभ रहा हो, ठीक है, बहुत डार्क कलर्स आप ना यूज करें तो वो बेटर रहेगा। साथ में जो भी आप शूज पहन के जाते हैं, गर्ल्स जो हील्स पहन के जाती हैं, वो ध्यान रखें कि आपकी हील्स जो है उसमें से आवाज ना आए, टक 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 टक, ये जो वॉइस होती है ना, ये आवाज नहीं आनी चाहिए, इट शुड बी लाइक, आप ये समझ सकते हैं कि साउंड प्रूफ हो, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। और ड्रेस जो भी पहन के जा रहे हैं वो ऐसी पहन के जाइए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर आप साड़ी में कंफर्टेबल नहीं है गर्ल्स, तो आप जो है अपना सूट पहन के जाइए, लेकिन मैं कहूंगी सलवार सूट की बजाय, बहुत सारी गर्ल्स होती हैं वो कुर्ता कुर्ते के साथ जो है नीचे सलवार पहन के जाती है, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ लाइक कुर्ता विद पैंट एंड द दुपट्टा, ठीक है ना, दुपट्टा आप एक साइड रखें या फिर आप क्रॉस करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा ड्रेस कोड के बारे में। आप थोड़ा सा लिपस्टिक प्लीज मत लगाइए, इंस्टेड ऑफ लिपस्टिक यू कैन यूज द लिप ग्लॉस ऑन योर फेस, ठीक है ना, आप क्रीम वगैरह यूज कर सकते हैं, लेकिन डोंट यूज लाइनर एंड ऑल थिंग्स, एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देता है। तो ये आपके ड्रेस कोड के बारे में और आपकी अपीयरेंस के बारे में हो गया, बिकॉज आपकी अपीयरेंस ही सबसे पहले इफेक्ट करती है बोर्ड को। सेकेंड जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, अब मैंने आपको जो बताया, आपने क्वेश्चन पूछा था कि मैम हम कैसे एंट्री करें, उसका मैंने आपको आंसर दे दिया, आपको बैठना कैसे है मैंने उसका आंसर दे दिया, एनीथिंग एल्स यू वॉन्ट टू आस्क? इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें हमें बतानी चाहिए, कंसाइज करके उसको एक बार के बारे में बता दीजिए, और दूसरा ये कि क्वेश्चन जो पूछते हैं उसका आंसर कैसे देना है, कितने वर्ड्स में देना है, वो चीज। देखिए, जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आता है कि इंट्रोडक्शन का, तो आप इस चीज का बिल्कुल ध्यान दीजिए कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सबसे पहले वो क्या पूछ रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अगर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में है तो पहले आप अपने बारे में बताइए, आपने कहाँ से स्कूलिंग करी है, कहाँ से आपने अपना कॉलेज पूरा किया है, ग्रेजुएशन करी है, मास्टर्स करी है, तो उसको भी बताइए, इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंस देन उसको भी बताइए। और हमेशा याद रखिए कि एक्सपीरियंस जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता है, राइट, सबसे पहले जो आपका रिसेंट है वो आएगा, जिस जो आप कर रहे हैं उससे डाउन होता चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से बताया जाता है। और यदि अगर आपका इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में अगर वो कहते हैं कि प्लीज जस्ट एक्सप्लेन योर एजुकेशन एंड द एक्सपीरियंस, तो आप प्लीज मत बताइए कि मेरा नाम क्या है, मेरे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। आप ध्यान रखिए वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है, ये सबसे पहले, बिकॉज वो यही चेक करते हैं कि आपका कितना कंसंट्रेशन में क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि उनसे आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये चीज ध्यान रखिए। और सेकेंड थिंग कि जब भी आप आंसर दें तो आपकी वॉइस जो है वो मॉडरेट होनी चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा तेज होनी चाहिए और ना बहुत ज्यादा स्लो होनी चाहिए कि इंटरव्यू बोर्ड को सुना ही ना दे, ठीक है। और आपकी आवाज में होता है ना, कई मैंने कैंडिडेट्स को देखा है कि बहुत एक्साइटेड होते हैं, एंथुजियाज्म बहुत ज्यादा होता है, तो वो एक्साइटेड होकर ना बहुत जल्दी जल्दी आंसर देते हैं। नो, अगर बोर्ड ने सपोज कीजिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा, कि हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपको आता हो, तो ऐसा नया हो कि आपसे क्वेश्चन पूछा और आप सडनली बहुत तेज आंसर देने लग गए, उसका एकदम से आप खुश हो गए कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, इंटरव्यू बोर्ड ने पूछ लिया, तो वो आपकी पर्सनैलिटी में दिखेगा, ठीक है। तो वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको आता भी है तो आप बोलिए यस मैम, यस, उनके क्वेश्चन को पूरा होने दीजिए, ऐसा नहीं है कि उनका क्वेश्चन खत्म ही नहीं हुआ है बोर्ड का और उससे पहले आप आंसर देने स्टार्ट करते हैं। जब उनका क्वेश्चन आपको आता हो तो भी आप जो है पॉज लीजिए, यस मैम, यस सर, ओके सर, ठीक है। उनको लगना नहीं चाहिए कि आपको आता है या नहीं आता है, आपका जो वे है वो नॉर्मल रहना चाहिए, एंड देन यू रिप्लाई दैट आंसर, ठीक है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि जब आप चेंज करते हैं अपनी लैंग्वेज को, सपोज कीजिए कि आप इंग्लिश मीडियम से हैं और आप इंग्लिश में आंसर दे रहे हैं, ठीक है, और अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है, यू वांट टू लाइक एक्सप्लेन एनी एग्जांपल इन अ हिंदी लैंग्वेज, तो आप उनसे परमिशन लीजिए, क्या मैं हिंदी बोल सकता हूँ, बोल सकती हूँ आप,
ठीक है, मैं इसका एक्सप्लेन मैं हिंदी में कर दूं, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है वो करनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज फेस करे हैं, यूपीएससी का भी किया है, जुडिशरी का भी किया है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि जब भी आपसे क्वेश्चन जो है अगर कोई इंटरव्यू बोर्ड इंग्लिश में पूछ रहा है, देन ट्राई टू आंसर दैट इन इंग्लिश, लेकिन हो सकता है वहां हिंदी मीडियम के भी लेक्चरर्स हों, ठीक है। अगर वो आपसे आंसर हिंदी में पूछ रहे हैं तो आप प्लीज कोशिश कीजिए आप उनका आंसर हिंदी में ही रिप्लाई करें, और आई कॉन्टेक्ट रखें सभी के साथ, सारे बोर्ड के साथ। ये नहीं है कि एक क्वेश्चन पूछ रहा है बोर्ड और आप सिर्फ उन्हीं को देख रहे हैं, बाकी को इग्नोर कर रहे हैं। दिस इज द वेरी रॉन्ग इंप्रेशन जो बोर्ड पे पड़ता है, आप सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दे रहे हैं और सबको बहुत बुरा लगता है। आप उनको आंसर दीजिए, बीच बीच में आप सभी बोर्ड्स को आप देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, लॉ आपको आता है, और अगर नहीं भी आता, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप फंबल मत करिए, आप ओवर स्मार्ट मत बनिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे आता है, मैं बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं उनको मैं फंबल कर सकता हूँ, दैट इज अ वेरी रॉन्ग स्ट्रेटेजी। आपको नहीं आता है उनसे कहिए आई एम नॉट एबल टू रिकॉल सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट मैम प्रेजेंटली, ठीक है, आप उनसे ये कहिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं हम उन्हें गलत बता देंगे, ऐसा कर देंगे, या इंटरव्यू बोर्ड को अपने हिसाब से एक्ट करवा देंगे, तो ऐसा आपका सोचना बहुत गलत। वो चीजें आपके एक्शंस में, आपके वर्ड्स में, आपके एक्सप्रेशंस में नजर आएंगी, राइट। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो आपको याद रखनी है, ध्यान देना है, क्योंकि इंटरव्यू अभी बहुत सारे स्टेट्स के रो में है, ठीक है। अभी राजस्थान और बिहार का इंटरव्यू रो में है, हरियाणा के इंटरव्यूज हो चुके हैं, और अभी आने वाले टाइम में बहुत सारे इंटरव्यूज होने वाले हैं, राइट। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी के लिए आप स्टे ट्यून विद सेंट पीटर्स लॉ अकेडमी रिगार्डिंग दैट। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, गॉड ब्लेस।